नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल ई आई ओ हिंदी में। और आज हम जानेंगे कि छात्रों को सरस्वती पूजा से पहले बेर क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि एक बार महामुनि वैष्णव देवी सरस्वती को संतुष्ट करने के लिए तपस्या आरंभ किया था। तपस्या आरंभ करने से पहले देवी तपस्या स्थल के सामने एक बेर के बीज रखकर शर्त दिया था कि जब तक इस पेड़ के बीज से नए पेड़ उगते उसका फल वैष्णव के सिर पे ना गिरते हैं, तब तक देवी वरदान नहीं देंगे। और वैष्णव भी ये शर्त मानकर तपस्या करने आरंभ कर दिया। कुछ साल बाद जब उस बीज से नए पेड़ उगते उसके फल वैष्णव के सिर पर गिरा, तब देवी वैष्णव को दर्शन देकर वरदान दिया था। और तब से ये प्रथा चले आ रहा है। और बेर के आर्यक नाम बद्री होने के नाते वैष्णव जी स्थान पर तपस्या किया था, उस स्थान का नाम पड़ा बद्री आश्रम।